मुरादाबाद के थाना मंझौला के गांव लाखड़ी फाजलपुर में एक स्कूल टीचर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार होने गए, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा जल्दी हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार लाखड़ी फाजलपुर के श्री साईं विद्या मंदिर में शबाबुल पुत्र जाहिद निवासी लाखड़ी फाजलपुर टीचर के रूप में कार्यरत थे। सुबह लगभग 8 बजे आसपास घर से निकलकर स्कूल पढ़ाने जा रहे थे। अचानक पीछे से आए मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा मृतक टीचर शाबुल के घर सूचना दी गई, जिस पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा घायल शबाबुल को हायर सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृतक घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची मंझौला पुलिस द्वारा पूरे घटना को लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। हत्या को लेकर जहां पूरे इलाके में हड़कंप है, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर अपनी कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया गया है। घटनास्थल पर सबसे पहले सीईओ अर्पित कपूर पहुंचे और उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों से बात की, पूरे घटनास्थल घटनाक्रम को देखा। घटनाक्रम देखने के बाद सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगाला, जिसमें दो हत्यारे मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्कूल टीचर के पीछे से आते हैं, घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। सभी पॉइंट्स पर चेकिंग भी प्रारंभ हो गई। 10 माह पूर्व की एक घटना से इसे जोड़ा जा रहा है, जिसमें स्कूल टीचर द्वारा स्कूल के छात्र की पिटाई कर दी गई थी। उस छात्र की पिटाई के बाद छात्र द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। प्रिंस नाम के इस छात्र के सुसाइड करने के बाद उसके परिजन शायद स्कूल टीचर से रंजिश सकते थे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की बात कही गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह द्वारा हत्या के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। देखिए, आज सुबह 8 बजे थाना मंझौला क्षेत्र में लाखड़ी गांव है, यहां पे एक स्कूल है। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उसी गांव में ही रहते हैं। कुछ दिन आज पैदल अपने घर से स्कूल आ रहे थे, तभी बाइक सवार दो व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चलाई और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। सूचना पे तत्काल हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए हैं। यानी जब लाया गया तो सब लोग की मौत हो चुकी है। उसमें हमारी सारी टीमें मौके पर गई हैं और हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे एविडेंस लिए हैं, लोगों से पूछताछ की गई है। वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पे कैमरे भी थे, उसमें हमको फुटेज मिला है और इसमें जितने सारे एंगल्स है उसके लिए हमने 3-4 टीमें लगाई और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना का अनुमान किया जाए।